झारखंड वस्तुनिष्ठ सेरी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चन डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के कितने जिलों से होकर स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना गुजरती है जिसे हम गोल्डन ट्रायंगुलर के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 2000, ऑप्शन बी सन 2001, ऑप्शन सी सन 2002, ऑप्शन डी सन 2003। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए गोड्डा, बी गढ़वा, सी गिरिडीह, डी चतरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी गुमला, डी कोडरमा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 2002 में, ऑप्शन बी सन 2004 में, ऑप्शन सी है सन 2006, ऑप्शन डी सन 2008। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 2010, ऑप्शन बी सन 2011, और फिर ऑप्शन सी सन 2012, ऑप्शन डी में है सन 2013। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि सन 2012। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 2015, बी 2013, ऑप्शन सी सन 2010, ऑप्शन डी सन 2012। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहां हुई है? ऑप्शन ए रांची, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी जमशेदपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 10, बृहत खाद्य पार्क कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी बोकारो, डी धनबाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड सौर ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 2012, बी सन 2013, सी सन 2014, और डी सन 2015। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सन 2015। क्वेश्चन नंबर 12, जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास कहां किया जाना है? ए भेंडरा, बी नवाडी, सी खरसावां, डी गेतलसूद। और
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी चाईबासा, सी गुमला, डी कोडरमा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में पहली बार किस शहर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए देवघर दुमका, बी पलामू रांची, सी दुमका रामगढ़, डी रांची देवघर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? ए सन 2012, बी सन 2014, सी सन 2015, डी सन 2016। और इसका सही जवाब है सन 2015, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यर्पित उग्रवादी को कितने लाख का जीवन बीमा कराएगी? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 4 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए सन 2014 में, ऑप्शन बी सन 2015 में, ऑप्शन सी सन 2016 में, ऑप्शन डी सन 2017 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की? ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2015 में, डी 2016 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 2016 में। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए 1 मार्च 2014, बी 1 अप्रैल 2014, सी 25 सितंबर 2014, डी 15 नवंबर 2014। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए 80.16, ऑप्शन बी 83.71, ऑप्शन सी 85.16, ऑप्शन डी 87.12। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए सन 2013 में, ऑप्शन बी सन 2014 में, ऑप्शन सी सन 2015 में, ऑप्शन डी सन 2016 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है? ऑप्शन ए उपायुक्त, बी उद्योग मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उद्योग मंत्री। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 40। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए बोकारो, बी रांची, सी जमशेदपुर,
डी धनबाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रांची शहर में। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या है। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए सन 2012 में, ऑप्शन बी सन 2014 में, ऑप्शन सी सन 2015 में, ऑप्शन डी सन 2016 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज। और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।